अग्निवीक्ष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इनके बीच में से सारे बाल जा चुके हैं। ऐसे कॉमन हेयर लॉस आपको देखने को मिलेगा आजकल, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है लोगों में। इस तरह के बाल पैटर्न को बहुत ईजीली सॉल्व किया जा सकता है एक सिंपल हेयर पैच के द्वारा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस बाल्डनेस एरिया यानी जो पैच एरिया है वहाँ पे अभी ग्लू लगाया जाएगा। ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, वॉकर टेप का ग्लू है ये, और इस ग्लू से सिस्टम को चिपका दिया जाता है जो आपका बाल्ड एरिया है। ये जो आप बाल्ड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक हेयर पैच इंस्टॉल कर देंगे और उसको हम ग्लू या क्लिप से किसी भी तरीके से अटैच कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप ग्लू से लगवाते हैं तो आपको महीने में एक बार सर्विस के लिए आना पड़ता है, जिसमें हम पूरे पैच को रिमूव करके दोबारा लगाते हैं क्लीन कर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेयर पैच लगाया जा रहा है इनके बाल्ड एरिया के ऊपर। पहले इनका साइज़ लिया जाता है, उसके बाद उस साइज़ के हिसाब से इस पैच को जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनको लगाया जाता है। अब पैच को लगाने के बाद इसकी कटिंग की जाएगी, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए कृपया हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए ताकि फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें हेयर पैच के बाल काट करके आपके बालों के साथ मिलाए जाते हैं जिससे बिल्कुल नेचुरल लगे और बिल्कुल अनडिटेक्टेबल सिस्टम होते हैं। इनका कुछ भी पता नहीं लगता कि आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है। इसे नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये पैच लगभग 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, मगर अच्छी क्वालिटी जो बहुत नेचुरल दिखते हैं वो 12-13 हज़ार की रेंज से स्टार्ट होते हैं। इस पैच को पहन करके आप स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ना ही इसका ये पता लगता है जैसे कि खींचने से उतर जाएगा या आप ड्राइविंग कर रहे हैं उतर जाएगा, ऐसा कोई आप मन में डर मत रखिए। ये पैच ऐसे नहीं निकलते अनटिल एंड अनलेस अगर इसको अच्छे से लगाया ना हो, यानी ग्लू अच्छे से ना लगी हो या टेप अच्छे से ना लगी हो। मगर अगर आप प्रॉपर सर्विस करते हैं या क्लिप से अच्छे तरीके से लगाते हैं तो ये सिस्टम नहीं निकलते। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी, पेन या फिर कोई दवाइयाँ कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस इसकी बहुत सिंपल है, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और हमारा ये सेंटर जो है आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के पास है। आप टाइमिंग हमारी 11 से शाम को 6:30-7 बजे तक होती है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। ट्यूसडे को जनरली हमारा ऑफ रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेयर कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और ये देखिए कितना नेचुरल लग रहा है। बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि इन्होंने कोई हेयर पैच कुछ हेयर सिस्टम लगवाया है, और साइड कटिंग से बिल्कुल इसको मैच किया गया है। ऊपर से देखने में बिल्कुल, सामने से देखने में बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही लुक चाहिए, आप एकदम यंग दिखना चाहते हैं, आपका टोटल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ये हेयर पैच लगवाने के बाद और कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि आपने कुछ लगवाया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं डेफिनेटली हमें कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।